जी, मेरा नाम जुबैर अहमद है और मैं शहीद इमरान का मामू हूँ। अच्छा, थोड़ा इमरान भाई के बारे में बताइएगा कि उनके कितने बहन भाई थे, इकलौते थे या कितनी उम्र थी उनकी, क्या सिलसिला? तकरीबन 26 से 27 साल उनकी एज थी और उसकी फैमिली में उनके वालिद साहब भी नहीं है और न ही उनका कोई सिस्टर है, न ही उनका कोई भाई है। ये अकेले अपनी वालदा के जो है कफील थे, एक ही बंदा था जो अपनी माँ का सहारा था और जालमों ने वो सहारा हमसे छीन लिया। तो हमारी आई जी सिंध से और SSP मलेर से ये अपील है कि हमें खुदारा हमें इंसाफ दिया जाए, शहीद इमरान को इंसाफ दिया जाए ताकि दीगर जो मुसलमान जो अरेस्ट हुए हैं उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। हमारी यही अपील है और ह्यूमन राइट्स के साथ और दीगर जो भी सोसाइटी में और समाजी और सियासी लोगों से हमारी पुरजोर ये अपील है कि खुदारा हमारे साथ इंसाफ किया जाए, क्योंकि एक माँ का एक सहारा छीना गया है, हम अगर से हमारा बच्चा छीना गया है, हम अपनी कैफियत आपको बयान नहीं कर सकते, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा कि कैसे आप लोगों को मालूम हुआ, क्या सिलसिला बताया कि उनके साथ हुआ क्या आखिर? जी, हमें ये शाम के 6:30 के दरमियान 6:45 तक ये इतला हुई कि कोई डकैत आए थे और उन्होंने आके फायर वैक किया, उनके पीछे ये निकल पड़े और उनकी रेकी की, तो इसी दौरान इनके साथ मुकाबला हो गया डकैतों के साथ और इस दौरान एक डकैत जो है वो मारा गया और उसके बाद इमरान शहीद को भी शहीद हो गए। इसी दौरान इस प्रोसेस में गोली लगी थी उन दौरान, तो जैसे ही 6:30 हमें इतला हुई कि भाई इमरान को गोली लगी है और वह जो है उसको जिना हॉस्पिटल रेफर कर लेके जा रहे हैं, तो आप भी आप जाएं। तो जैसे ही हम हॉस्पिटल पहुँचे तो हॉस्पिटल से MLO से मिले तो उन्होंने कहा कि ये पहुँचने से दौरान इलाज से पहले ही और ये शहादत खुशफरमा है। अच्छा, किस तरह उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताइएगा, कैसे इंसान थे, कैसे शख्सियत थी? ज़िंदगी तो उनकी है गुल के गुलाब।